हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे स्वागत है बच्चों आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जालेडा ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आज हम सभी हल करेंगे हमारे विषय पर्यावरण अध्ययन शीतकालीन अवकाश का गृह कार्य कक्षा है बच्चों तीन तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए तो देखिए बच्चों तिथि 11 जनवरी 2022 का हम यहाँ पे कार्य हल करेंगे पहला है बच्चों विषय योग और आप बच्चों योग और आप के यहाँ पे हम क्या करेंगे प्रश्न को हल करेंगे पहला प्रश्न है बच्चों योग हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है तो बच्चों किस तरह से योग जो है हमारे लिए उपयोगी होता है तो आप सभी इसका उत्तर लिखेंगे योग हमारे लिए बहुत आवश्यक है बहुत आवश्यक होता है बच्चों योग हमारे लिए आवश्यक है। योग करने से मानव शरीर चुस्त और फुर्तीला बन जाता है बना रहता है बना रहता है एवं मांसपेशियों या मांसपेशियाँ मजबूत बनी रहती है और हम स्वस्थ रहते हैं ठीक है बच्चों इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा हमें योग करना चाहिए ठीक है बच्चों अगला प्रश्न है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है तो बच्चों अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है आप सभी को पता होना चाहिए तो बच्चों हर साल इक्कीस जून को हम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं अगला है बच्चों गतिविधि प्रतिदिन सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें तो बच्चों देखिए सूर्य नमस्कार के आपको यहाँ पे चरण दिए गए हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तो बच्चों आप सभी को प्रतिदिन किन्हीं दो व्यायामो का अभ्यास करना है अगला है बच्चों तिथि चौदह जनवरी विषय जानवरों और पक्षियों को नुकसान नहीं पहुंचाए तो देखिए बच्चों पहला प्रश्न है आप एक घायल पक्षी जिसका खून बह रहा है उसकी कैसे मदद करेंगे तो बच्चों आप यहाँ लिखेंगे एक घायल पक्षी एक घायल पक्षी जिसका खून बह रहा है खून बह रहा है सबसे पहले मैं उसके घाव को धोंगा ठीक है बच्चों, सबसे पहले उसके घाव को धोना चाहिए उसके बाद उसके बाद उस पर दवाई लगाकर पट्टी बांधूंगा ताकि उसका खून का बहना बंद हो जाए और इस तरीके से इस तरीके से मैं उसकी मदद करूंगा ठीक है बच्चों तो इस तरह से आप सभी को इसका उत्तर यहाँ लिखना है अगला है बच्चों कुछ लोग गली के कुत्तों को जहर देकर मार देते हैं आप इस कृत के बारे में कैसा महसूस करते हैं बच्चों कई लोग जो होते हैं वो जो रोड के जो कुत्ते होते हैं गली के कुत्ते उन्हें जहर देकर मार देते हैं तो आप इस कृत में क्या कहेंगे तो आप ये लिखेंगे लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए जानवर बेजुबान होते हैं ठीक है बच्चों, बेजुबान होते हैं वो कुछ बोल नहीं पाते वे अपनी बातों को किसी से व्यक्त नहीं कर सकते जानवरों को भी जानवरों को भी जीने का अधिकार होता है ठीक है तो उन्हें जीने देना चाहिए हमें उन्हें मारना नहीं चाहिए ठीक है बच्चों तो इस तरह से आप इसे लिखेंगे अगला है बच्चों गतिविधि पक्षियों के लिए अपने घर की छत पर साफ़ पानी और भोजन रखें बच्चों आप सभी अपने घर की छत पर पक्षियों के लिए भोजन और पानी रखेंगे अगला है बच्चों जानवरों या पक्षियों से संबंधित कोई कविता या गीत गाएं और लिखें बच्चों आप सभी को क्या करना है पक्षियों या जानवरों से संबंधित कोई भी कविता या गीत आपको यहाँ गाना है और उसे लिखना है तो इस तरह से आप सभी अपनी वर्कशीट को हल करें उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो सभी लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाइए लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद